नमस्कार साथियों, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट केरकी एन दारूवाला के द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण लव स्टोरी है, जिसमें नजम नाम के एक भारतीय लड़के और फातिमा नाम की एक पाकिस्तानी लड़की की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसके जो मूल चरित्र हैं, पात्र हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। आफ्ताब जो हैं वो नजम के पिता हैं, जमन इनके दोस्त हैं आफ्ताब के और नजब के चाचा हैं। कालेसा जो इस कहानी के मुख्य पात्र है, फातिमा हीरोइन ऑफ द स्टोरी, उसके पिता हैं कालेसा। और इसके बाद में जो मुख्य चरित्र है वो आता है फातिमा। फातिमा एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जो नजब के प्यार में पड़ जाती है और इन्हीं दोनों के बीच में ये लव स्टोरी आगे जाती है। इसके अलावा एक पात्र और है, महफूज अली। ये महफूज अली फातिमा से शादी करना चाहता है, लेकिन फातिमा इससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ये एक टैटरिंग वॉइस के साथ है, अर्थात ये तुतलाता है, बोल नहीं पाता ढंग से, और फातिमा इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हालांकि फातिमा के माता पिता ये चाहते हैं कि फातिमा महफूज अली से शादी करे, लेकिन फातिमा जो है नजब अली से प्यार करती है और उसी से वो शादी करना चाहती है। फातिमा एक बहुत सुंदर लड़की होती है जो महफूज अली की पुत्री रहती है, सॉरी कालिसा की पुत्री रहती है, और कालिसा महफूज अली को पसंद करते हैं फातिमा के लिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस प्रकार होती हैं कि फातिमा नजब के प्रेम में गिर जाती है। केरकी एन दारूवाला ने इस कहानी का चित्रण बहुत अच्छे प्रकार से किया है। ये एक कहानी है, एक प्रेम कहानी है, जिसमें फातिमा नाम की एक लड़की है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहती है, और नजब नाम का एक लड़का है जो गुजरात, कच्छ गुजरात में रहता है, उससे प्रेम करती है। दे लव विथ ईच अदर बिकॉज दे लव डजेंट नो ज्योग्राफिकल बैरियर्स। वे एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम भौगोलिक बाधाएं नहीं मानता, प्रेम जातिगत बंधन नहीं मानता, प्रेम धर्म नहीं मानता, प्रेम किसी भी प्रकार की बाधा को नहीं मानता। इसलिए फातिमा और नजब अली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और कहानी के मुख्य पात्र फातिमा और नजब अली हैं जो अंततः एक होते हैं, उनकी शादी होती है, और कहानी का अंत जो है वो बहुत सुखद होता है। फातिमा वाज रियली हूर। फातिमा एक परी के समान दिखती थी। सी वाज डॉटर ऑफ कालेसा, वो कालेसा की पुत्री थी। सी वाज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। हर आइज वर सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लिट अप द डार्कनेस ऑफ अंडरवर्ल्ड। उसकी आँखें इतनी चमकीली थी कि गुफ अंधेर में भी वो रोशनी करने के योग्य थी। हर आइज वर स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क। उसकी आँखें ऐसी थी कि अंधेरे में भी वो उजाला कर सकती थी। सी यूज टू स्माइल स्वीटली, वो बहुत ही मधुरता से मुस्कुराया करती थी। उसकी हंसी जो थी वह ऐसी लगती थी जैसे फाइल की झनक उठ रही हो। ही हैड वेरी ब्यूटीफुल डार्क हेयर्स, उसके बाल बहुत काले और सुंदर थे। वो बहुत ही, उसका जो चेहरा था वो फोटोजेनिक फेस था, और सी स्मेल्ट लाइक क्लोव एंड सिनेमोन्स, और उसमें जब वो खुशबू आती थी लौंग और दालचीनी की। इस प्रकार जो फातिमा है, इस कहानी की जो मुख्य पात्र है, परीक्षा की दृष्टि से इसी का जो कैरेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण करवाया जा सकता है। फातिमा बहुत ही सुंदर लड़की है, और उसकी जो है हर एक चीज़ कुछ ऐसी सुंदर हैं कि एन दारूवाला ने बहुत अच्छे ढंग से इसका चित्रण किया है। फातिमा ही वो चरित्र है जिसके चारों तरफ ये कहानी घूमती है। सी लिव लव्ज नजब, वह नजब से प्रेम करती है। सी हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट मैरिड विथ महफूज अली, लेकिन वो उसके माता पिता का दबाव है कि वो महफूज अली से शादी करे, लेकिन वो उसको चाहती नहीं है क्योंकि वो है जिस स्टैमरिंग वॉइस, वो एक तुतलाने वाला व्यक्ति है। महफूज अली उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसकी तुतलाने वाली आवाज़ की वजह से उसको उसके साथ रहने में दिक्कत होती थी, वो उससे शादी नहीं करना चाहती।
और ये है जो फातिमा है वो बहुत ही लकी थी, सी प्रूव्ड लकी फॉर द न्यू डेस्टिनेशन, अपने नए गंतव्य के लिए वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होती है। बिकॉज एज ही स्टेप्ड इन टू द विलेज ही स्टार्टेड रनिंग फोर्सली एंड एंडेड 3 ईयर्स ओल्ड रोड। जैसे ही उसने नए गाँव में प्रवेश किया, नजब के गांव में प्रवेश किया, तो वो 3 साल से लगातार जो उस गांव में बारिश नहीं हो रही थी, वहां से जोरदार बारिश होना वहां से शुरू हो जाती है और लोग उस गांव के, नजब के गांव के फातिमा को एक देवी के समान मानते हैं और उसके आगमन को शुभ मानते हैं। इस प्रकार जो फातिमा है उसका नए गंतव्य में बहुत अच्छे से स्वागत होता है और प्रकृति ने उसका साथ दिया। इस प्रकार सी वाज ए लकी वुमन, लकी गर्ल। ये महाशय हैं नजब अली। नजब अली 20 वर्ष का एक युवा है, साई बॉय है, बहुत शर्मिला लड़का है। हिज फादर वाज आफ्ताब अली, उसके पिता का नाम आफ्ताब अली है और ही हैड ए ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस, वो बहुत ही सुंदर है। जैसे फातिमा है उसी प्रकार आफ्ताब भी, ये जो नजब है वो भी एक सुंदर लड़का है और चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है। ही इज वेरी साई बाई नेचर, वह प्रकृति से बहुत ही शर्मिले स्वभाव का है। बिकॉज हिज फेस यूज टू ब्लस, क्योंकि ऐसा कहा गया है, दारूवाले ने कहा है कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाया करता था जब कोई भी व्यक्ति केवल किसी लड़की का नाम भी उच्चारित कर देता तो नजब अली जो है वो उसका चेहरा बहुत लाल हो जाता था। अर्थात वो प्रकृति से बहुत ही शर्मिले स्वभाव का व्यक्ति था नजब अली। और ये नजब अली था जो फातिमा से प्रेम में पड़ता है, प्रकृति से बहुत शर्मिला होने के बावजूद भी फातिमा से वो प्रेम में गिरता है और अंततः उनका प्रेम अपने गंतव्य पे पहुंचता है। और एक दिन वो साहस करता है और जो है नमक के रेगिस्तान जो कच्छ का रन है उसको पार करते हुए वो पाकिस्तान के रन क्षेत्र में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में अपनी प्रेमिका फातिमा से मिलने के लिए जाता है अपने ऊंट अल्लाह रखा की सहायता से, और कई प्रकार की समस्याओं का को फेस करते हुए वो वहाँ पे पहुँचता है और अंततः वो काले शाह और महफूज अली से बचा के गुप्त रूप से एक रात को वो फातिमा को लेके वापस अपने गांव लौटता है। उसका प्रकृति के द्वारा स्वागत किया जाता है। इस प्रकार ये जो नजब अली है वो फातिमा के साथ साथ इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, हीरो ऑफ द स्टोरी। दिस लव स्टोरी इज नजब अली। नजब अली ही इस कहानी का मुख्य, इस प्रेम कहानी का मुख्य पात्र है जो फातिमा से प्रेम करता है और अंततः उनकी जो प्रेम है वो परवान पे पहुंचता है। नजम अली ही लव्ड फातिमा वेरी मच, वो फातिमा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। एंड वन नाइट ही डियर टू क्रॉस द रन टू ब्रिंग फातिमा एट हिज होम टू फुलफिल हिज प्रोमिस। जब वो वहाँ पे गया था अपने पिता और चाचा जमन के साथ, उसने फातिमा से एक वायदा किया था कि नेक्स्ट टाइम आई विल बैक अलोन, दोबारा जब मैं आऊँगा तो अकेला आऊँगा, अपने ऊँट अल्लाह रखा के साथ आऊँगा और तुमको यहाँ से वापस लेके जाऊँगा। तो वो अपने वादे को पूरा करने के लिए अपनी प्रेमिका फातिमा को वहाँ से वापस लाने के लिए वो वहाँ पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो फातिमा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और उसने वादा किया था उसको वापस लाने के लिए, इसलिए वो अल्लाह रखा की सहायता से उसको वापस लेके आता है। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है जिसमें नजब अपनी लवर फातिमा को प्राप्त करने में सफल होता है। आफ्ताब जो है नजब के पिता हैं, अल्लाह रखा नजब का ऊँट है, फातिमा काले शाह की पुत्री है जो नजब से प्रेम करती है, साथ ही काले शाह महफूज अली को पसंद करते हैं फातिमा के लिए, लेकिन फातिमा उसको अंततः रिजेक्ट करती है और अपने जो लवर है, प्रेमी है नजब, उसके साथ वो शादी कर लेती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।